हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं त्रिश किचन और मैं हूँ त्रिशा। आज मैं आपके साथ आलू के पराठे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं और ये फटाफट बन जाते हैं। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम मैं आपको फटाफट ये बनाकर दिखाती हूँ इसको हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले जो जो मसाले मैंने इसमें यूज़ किए हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। मैं यहाँ पर 1 ऑनियन चॉप्ड, जिंजर ग्रेटेड, ग्रीन चिलीज चॉप्ड और कोरिएंडर लीव्स यूज़ कर रही हूँ। और मैंने आलू को पहले से ही बॉयल करके रखा हुआ है, इसको हम अच्छे से मैश कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से मैश हो गए हैं। इस पे अभी हम ऑनियन, ग्रेटेड जिंजर, ग्रीन चिलीज और कोरिएंडर लीव्स ऐड कर लेंगे। ऐड करके इसमें हम थोड़े से ड्राई मसाले डालेंगे। ड्राई मसाले में ये है ब्लैक सॉल्ट, जीरा, अजवाइन, आमचूर पाउडर, जीरा पाउडर और ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च पाउडर। इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप अगर इसे तुरंत बना रहे हैं तो सॉल्ट ऐड कीजिए, अदरवाइज आप सॉल्ट बाद में भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया, इसको अलग कर लेंगे। हम अभी अपना डो रेडी करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 कप आटा लिया है, इसमें मैं थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूँगी। सॉल्ट ऐड करने के बाद इसमें पानी देकर हम एक सॉफ्ट सा डो बना लेंगे। ये बहुत सॉफ्ट भी नहीं होगा और बहुत हार्ड भी नहीं होना चाहिए। फिर देखिए, एक बॉल लीजिए, लेमन साइज बॉल ले लेंगे। फिर इसको हम धीरे धीरे बेलेंगे, इसको इस तरह से इसको राउंड शेप देना है। राउंड शेप हो जाए तो हम अपना स्टफिंग इसमें डालेंगे। स्टफिंग डाल के इसको हम अच्छी तरह से फिर बंद कर लेंगे। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान रखिए अच्छे से बंद कीजिए, अदरवाइज जब हम इसको वापस बेलेंगे तो ये निकल आ सकता है हमारा स्टफिंग। अब इसको हम धीरे धीरे फिर से बेल लेंगे, बेल के इसको एक राउंड शेप दे देंगे। स्टफिंग हमने अभी अच्छे से अंदर दे दिया है, इसको हम धीरे धीरे अभी बेलेंगे। बेलने के बाद इसको हम तवे में फ्राई करेंगे। सबसे पहले दोनों तरफ हम सेक लेंगे, इसके बाद घी या फिर आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। घी या ऑयल लगाकर दोनों तरफ हम अच्छी तरह से इसको सेकेंगे, जब तक कि इसमें गोल्डन स्पॉट्स ना आने लगे तब तक इसको सेकना है। ये देखिए हमारे मज़ेदार आलू के पराठे एकदम रेडी है सर्व करने के लिए। इसको आप गर्मा गर्म सर्व कीजिए, इसको आप बटर, चटनी या फिर केचप के साथ सर्व कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।